कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान के डेवलपमेंट और रेनोवेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट शाया की गई है। वक्फ बोर्ड के जरिए जारी की गई इस लिस्ट को देख गुलबर्गा CPIM लीडर जावेद हुसैन ने नाराजगी जाहिर कर वक्फ बोर्ड स्टेट चेयरमैन और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ बयान जारी किया है। जावेद हुसैन ने बताया, वक्फ बोर्ड ने जो लिस्ट जारी की है इसके मुताबिक गुलबर्गा के अलावा कुछ दीगर डिस्ट्रिक्ट में पार्शियलिटी की गई है। दरअसल वक्फ प्रॉपर्टीज के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके तहत वक्फ इदारों के तहफ्फुज़ के लिए एक बजट तैयार किया जाता है, जिसके जरिए तमाम मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान और दीगर वक्फ इंस्टीट्यूट की मरम्मत और डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके। इस बार जो लिस्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर के अलावा दीगर कुछ जगहों पर काफ़ी कम बजट दिया गया है और वहीं वक्फ स्टेट चेयरमैन और दीगर जिम्मेदार जहां से ताल्लुक रखते हैं बेल्लारी और चित्रदुर्गा जैसे डिस्ट्रिक्ट में कई गुना ज़्यादा बजट दिया गया है। जावेद हुसैन ने यह मुतालबा किया है कि वक्फ बजट को सही तरीके से रिलीज़ किया जाए और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर की यह जिम्मेदारी हो कि तमाम वक्फ इंस्टीट्यूट और इदारों के डेवलपमेंट पर काम करें। वक्फ इदारों के तहफ़ की अगर हम बात करें तो अब तक 2,80,000 करोड़ के वक्फ इदारे को कब्जा कर हजम कर लिया गया है और इसी तरह वक्फ इदारों को नज़रअंदाज किया गया तो धीरे धीरे सारे वक्फ इदारे हजम कर लिए जाएंगे। जावेद हुसैन ने मजीद क्या कहा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. देखिए ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड स्टेट वक्फ बोर्ड से जो दो लिस्ट जारी हुए हैं जिसके तहत ग्रेवयार्ड कंपाउंड्स और प्लस के लिए श्राइन्स जो दरगाह मदरसा या मसाजिद के लिए जो है रिनोवेशन वर्क कब्रस्तानों के कंपाउंड वगैरह के लिए जो है दो लिस्ट जारी हुए हैं। ये इसमें जो है कि कौन कौन से ग्रेवयार्ड के कंपाउंड्स होंगे, कौन से मसाजिद या दरगाह या श्राइन्स के जो है रिनोवेशन और डेवलपमेंट वर्क होगा, ये सारी चीज़ों के तफसीलात के साथ जो कि 2nd December 2023 को ये स्टेट वक्फ बोर्ड से लिस्ट जारी हुए हैं। ये लिस्ट को मैं चाहूँगा कि पब्लिक भी इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करे और जाने, क्योंकि एक चीज़ होती है कि वक्फ अमलाक जो है, वक्फ मिल्कियत जो है, ये इसका कोई मालिक नहीं, खुद हुकूमत भी इसकी मालिक नहीं है और आवाम की ये जिम्मेदारी है वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिनोवेशन या उनके डेवलपमेंट के लिए आवाम भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जिस तरीके से अभी जो लिस्ट शाया हुई है या लिस्ट जो डिक्लेयर कर दी गई है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से, ये लिस्ट एक सवालिया निशान पैदा करती है। मैं क्या सवालिया निशान पैदा करती है ये बताता हूँ कि भाई एक वर्ड कहा जाता है नेपोटिज्म या पार्शियलिटी, ये इस तरीके की ये लिस्ट जो है, क्योंकि गुलबर्गा में जो यहाँ पे वक्फ के तहत जो ग्रेवयार्ड्स हैं जिनके कंपाउंड्स के कंस्ट्रक्शन करना है या मसाजिद है या दरगाह है, ये सारी चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट कुछ बजट देती है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके तहत भी बजट होता है ये, तो इसमें जो हुआ है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो है करीब जो देखा जाए ग्रेवयार्ड जो है 7 ग्रेवयार्ड के लिए जो है कंपाउंड्स के लिए करके 7 ग्रेवयार्ड कंपाउंड के लिए बजट जारी किया गया है। अब इसमें हैरानी की बात यह है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7 ग्रेवयार्ड्स के लिए दिया गया है, उसी तरीके से बिदर में सिर्फ 1 ग्रेवयार्ड के लिए दिया गया है, बेल्लारी और जब चित्रदुर्ग की हम बात करें तो बेल्लारी चित्रदुर्ग में जो है 42 ग्रेवयार्ड्स के लिए दिया गया है, 17 ग्रेवयार्ड्स के लिए दिया गया है और उसी तरह रायचूर में कम किया गया है 6 ग्रेवयार्ड के लिए दिया गया है। और जब तक जब हम रिनोवेशन और रिपेयर की जो बात करते हैं जो श्राइन्स हैं या मसाजिद हैं इनके लिए देखा जाए तो इसी तरीके से जो है ना गुलबर्गा में सिर्फ 1 श्राइन के लिए दिया गया है, बिदर डिस्ट्रिक्ट में बसो कल्याण के लिए 1 के लिए दिया गया है, रायचूर में 4 श्राइन के लिए दिया गया है, यादगीर में जो है कुछ 2 श्राइन के लिए दिया गया है। ये जिस तरीके से कंपेरेटिवली जब हम देखें तो वक्फ बोर्ड जो चेयरमैन होते हैं, मैं शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो डेटा जो अवेलेबल है, जो डिटेल्स जो यहाँ पे अवेलेबल है, हम जो लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है गवर्नमेंट से, उसके तहत जो एक चीज क्लियर दिख रही है जिस इलाके से चेयरमैन साहब हैं उस इलाके में काफी मसाजिद को, काफी कब्रस्तानों को, काफी इंस्टीट्यूशंस को ये डेवलपमेंट और रिपेयर रिनोवेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए बजट अलॉट किए गए हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ कर्नाटका की बात करें
या और दूसरे दक्षिण कन्नड़ की कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग नेग्लिजिबल साइट्स के लिए डेवलपमेंट या रिपेयर बजट दिया गया है। ये सरासर एक नेपोटिज्म जैसा होता है। जब हम कंपेयर करें बेल्लारी के लिए आप 42 साइट्स के लिए आप बजट दे रहे हैं, चित्रदुर्ग के लिए आप करीब 17 से 18 साइट्स के लिए दे रहे हैं, गुलबर्गा के लिए आप 7 साइट के लिए दे रहे हैं, बिदर में जो आप 1 साइट के लिए दे रहे हैं, रायचूर में आप 5 साइट के लिए दे रहे हैं। ये जिस तरीके से आप एक साइट्स के ऊपर ही पता चल रहा है कि वो मैक्सिमम बजट उस जगह पे अलॉट किया जा रहा है जहां से वक्फ बोर्ड के अहदेदारान बोलिए या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोलिए या और जो जिम्मेदारान जो फैसला करने में बैठे हैं जिस इलाके से वो लोग आते हैं उस इलाके के लिए ज्यादा बजट्स दिए गए हैं और दूसरे इलाके के लिए नहीं दिए गए हैं। ये और दूसरी चीज भी है जो मैं अक्सर अभी न्यूज में भी थोड़े दिन पहले चल रहा था कि जो सीईओज होते हैं वक्फ बोर्ड के लिए जो सीईओ होते हैं ये इंचार्ज बिठा के काम किया जा रहा है, कोई परमानेंट सीईओ अपॉइंट नहीं किए जाते। तो इसके पीछे ये होता है कि जो चेयरमैन होते हैं या जो होते हैं उनका इंडिविजुअल डिसीजन चलता है, फिर चेयरमैन का अकेला डिसीजन चलेगा, वो जैसा चाहते हैं जिस इलाके के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो जैसे चाहते हैं उस तरीके से बजट अलॉटमेंट्स होंगे, जो कि इसमें पार्शियलिटी होगी या नेपोटिज्म होगा जैसे अब हम देख रहे हैं। ये सरासर एक तरीके से कहा जाए तो ये अनएक्सेप्टेबल है। जिम्मेदारान का काम यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक रिपोर्ट लेके उसके तहत काम किया जाए। अब यहां पे एक सवाल यह पैदा होता है, जब अगर गुलबर्गा की या मैं बिदर की बात करूं या रायचूर या यादगिर की बात करूं, क्या यहां पे मसाजिद या मुतवल्ली जो दरगाहों के हैं या मसाजिद के हैं या कब्रस्तान के इंतजामिया कमेटी है या मसाजिद के इंतजामिया कमेटी है, क्या ये कमेटीज वक्फ बोर्ड के लिए अप्रोच नहीं हुए अपने कुछ डेवलपमेंट्स के लिए, रिपेयर वर्क के लिए या कब्रस्तान के ग्रेवयार्ड्स के कंपाउंड्स वगैरह के लिए क्या अप्रोच नहीं हुए हैं जो वक्फ बोर्ड इस तरीके से नेग्लिजेंट है इस रीजन के लिए, या और कोई दूसरी वजह है? अगर मैनेजमेंट अप्रोच नहीं हुए तो फिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के ऊपर एक सवाल उठता है। तो ये ऐसे और इसके ऊपर मसले मसाइल करने के बजाय एक हमारा सजेशन ये है, हम ये चाहेंगे कि भाई इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। सबसे पहले ये इस तरीके से कि भाई आप अपने एरियाज को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, आप जहां से आते हैं वहां के लिए ज्यादा बजट लेंगे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे या उसके लिए जो है मिनिमल बजट देंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए स्टेट वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ये जो इनका सिस्टम है इसको सिस्टम को थोड़ा रिवाइज करें। ये सिस्टम ऐसे नहीं कि आप लिस्ट ले रहे हैं अपने मर्जी से लिस्ट के ऊपर काम होगा, इस तरीके से काम सही नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय एक काम ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बजट डायरेक्टली अलॉट किया जाए। एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी अलॉटेड ए बजट, ताकि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड होता है, दे विल डिसाइड कि उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी क्या है, किस जगह पे उनको इमीडिएटली कंपाउंड्स करना है, किस जगह पे मसाजिद पे या वक्फ साइट्स के ऊपर रिनोवेशन वर्क है या रिपेयर वर्क है वो करने के लिए वो डायरेक्टली ऑथोराइज्ड होंगे वो लोग डायरेक्टली, बिकॉज दे विल बी वहां पे उनका खुद का उनका डिस्ट्रिक्ट होता है, वो ज्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के तहत बजट अलॉट किया जाए। अगर ये इसी तरीके से अब जैसे चल रहा है, मैं आपको पूरे लिस्ट बता सकता हूं, ये दो लिस्ट है मेरे पास जिसमें एक ग्रेवयार्ड कंपाउंड्स के लिए है और एक जो है श्राइन्स वगैरह के रिनोवेशन और रिपेयर के लिए है। ये लिस्ट मैं तो चाहूंगा कि हर कोई इसको स्टडी करें, ताकि आप जब तक गवर्नमेंट के पॉलिसीज और इनके जो डिटेल्स निकल रहे हैं आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको हकीकत पता नहीं चलती रहेगी। तो इसके लिए हमारा ये डिमांड है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड और तमाम मिनिस्ट्री के साथ भी हैं और मिनिस्टर फॉर वक्फ भी हैं उनसे भी हैं और सारे जिम्मेदारान जो थ्रू आउट स्टेट जो वक्फ बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, हमारी इनसे दरखास्त है कि ये जिस तरीके से अभी हुआ है इसको ना दोहराएं फिर कभी, एक स्ट्रीमलाइन करें सिस्टम को, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बजट अलॉट करें, वो बजट डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस के तहत दे, फिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस वहां से अपने तालुका वाइज, विलेज वाइज या सिटी वाइज उनको जहां जहां पे प्रायोरिटी है, जहां जहां पे इमीडिएटली रिनोवेशन रिपेयर वर्क लेना है या जहां पे एनक्रोचमेंट जो ग्रेवयार्ड्स के एनक्रोचमेंट हो रहे हैं या एनक्रोचमेंट्स रोकने के लिए इमीडिएटली कहां का कंपाउंड करना है, ये लोकल ऑफिस डिसाइड कर सकती है। बैंगलोर में बैठकर आप वहां पे फैसला करेंगे तो आपको गुलबर्गा की हालत का क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। गुलबर्गा में ऐसे मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पे ग्रेवयार्ड एनक्रोच हो चुके हैं। मैं तो खुद अर्बन एरिया छोड़िए रूरल एरिया जो ग्रामीण बेल्ट के जो तालुका वगैरह के जो इश्यूज हैं
मसाजिद के कंपाउंड्स के इशू हैं, रिनोवेशंस के हैं, कई ऐसे साइट्स हैं जो एनक्रोच हो चुके हैं। ये इसलिए एनक्रोच हो रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड का जो रवैया है, जो पार्शियलिटी, जो नेपोटिज्म करते हुए अपने इलाकों के लिए जो चेयरमैन बनते हैं या जो जिम्मेदारान होते हैं अपने इलाके के लिए प्रायोरिटी देते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, इसका नतीजा ये हो रहा है जो वक्फ बोर्ड वक्फ अमलाक का तहफ्फुज करने का जो एक अहम जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड की, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है या हो रही है या इसमें नाकामी भी हो सकती है। आप ये सबको पता है कि कर्नाटका इज द थर्ड बिगेस्ट स्टेट विथ वक्फ प्रॉपर्टी। इंडिया में वक्फ अमलाक में कर्नाटका थर्ड बिगेस्ट स्टेट है और यहां हम सब जानते हैं कि लगभग 2,80,000 करोड़ के वक्फ अमलाक गबन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर स्टेट वक्फ बोर्ड का रवैया इस तरीके से रहेगा तो फिर ये डर है कि वक्फ अमलाक का तहफ्फुज करना नामुमकिन हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड की भी नहीं है, कहीं ना कहीं अवाम भी इसकी जिम्मेदार है। जो कोई जिम्मेदारान है, मुतवल्ली हैं या आप कमेटीज बने हुए हैं या जो कोई मसाजिद के हैं, ग्रेवयार्ड मेंटेनेंस है या ग्रेवयार्ड के रेस्पॉन्सिबल कमेटीज हैं, कब्रस्तान की इंतजामिया कमेटी या ईदगाहों के हैं, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड की तरफ अपनी नजर रखें, डिमांड रखें बजट्स के लिए, और ये डिमांड करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट अलॉट किया जाए। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट अलॉट होगा तब जाके आपके लोकल एरिया का आप एक टीम लेकर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस को अप्रोच होके आप काम करवा सकते हैं। और यहां पे जो हो रहा है कि भाई आप एक अलॉटेड बजट होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रेवयार्ड को बोल दिया गया है कि 5 लाख, अब वो बजट तो वही ग्रेवयार्ड के लिए अलॉटेड है, अब वो भले 2 लाख में हो जाए काम या 10 लाख में होने वाला काम है, उसके लिए तो 5 लाख की बजट रहेगा, इसमें कभी काम कंप्लीट नहीं होगा या काम कंप्लीट होके पैसे बच जाएंगे। तो इसका क्या होगा, जिस काम के लिए बजट अलॉटेड है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं इस्तेमाल होगा तो वापस जाएगा। इसके बजाय अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट अलॉटेड होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट दिया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से ग्रेवयार्ड को कितना काम लगना, कंपाउंड वॉल करना है, कितना कॉस्ट आएगा। कुछ बजट अगर बच भी जाता है तो और कोई दूसरे ग्रेवयार्ड के लिए काम कर सकते हैं या और कोई मसाजिद दरगाह या ईदगाह के लिए कुछ काम किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट अलॉट किया जाए, साइट वाइज नहीं करना चाहिए। साइट वाइज बजट अलॉट करने का नतीजा ये है कि वही साइट के लिए लिमिटेड बजट रहेगा, अब उसमें काम कंप्लीट हो ना हो ये प्रॉब्लम बना रहेगा। इसके लिए स्टेट वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रही है ये वह स्टेट वक्फ बोर्ड के ऊपर एक सवालिया निशान जैसा हो जाएगा। इसके लिए हमारी अपील है, दरखास्त है कि स्टेट वक्फ बोर्ड जिस तरीके से अभी ये लिस्ट जारी करी है, मैं नहीं समझता ये लिस्ट फिर अब रिवाइज होगी नहीं होगी, लेकिन हमारी अपील है कि गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, यादगीर, यहां पे जिस तरीके से 4, 5 या 8 साइट्स को जो बजट दिया गया है ये बढ़ाया जाए। जिस तरीके से बेल्लारी, चित्रदुर्ग में 42 साइट्स जिस तरीके से दिया गया है, कम से कम एटलीस्ट एक एवरेज करके इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट को इक्वालिटी रहे, इस तरीके से बजट दें। या फिर जैसे हमारा एक एडवाइस ये है, हमारी जो अपील है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्टली बजट दें डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, ये हेल्पफुल रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करने के लिए। और वक्फ बोर्ड का जो इशू काफी टाइम से चला है, हमारी एक जो CPIM से अपील है कि वक्फ अमलाक का तहफ्फुज जब तक नहीं हो सकता तब तक उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम नहीं किया जाता। इसके लिए हम 2020-21 से लगातार वक्फ बोर्ड से कह रहे हैं कि वक्फ अमलाक का बेसिक मकसद जो है, जो डोनर्स, जो दानवीर लोग जो वक्फ अमलाक जो डोनेट किए हैं, उनका मकसद था कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशनल डेवलपमेंट किया जाए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, ये इश्यूज उनके सॉल्व करने के लिए लोगों ने अपनी जमीनें, अपनी अमलाक को वक्फ के तहत दिया है। जब आज हम देख रहे हैं कर्नाटका में सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर माइनॉरिटीज मुस्लिम जो है बहुत बैकवर्ड हैं, तो वक्फ बोर्ड की यह जिम्मेदारी बनती है ताकि वक्फ अमलाक का तहफ्फुज भी हो सके उस नजरिए के साथ। वक्फ जहां जहां पे प्रॉपर्टीज उनके कॉमर्शियल हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉमर्शियल साइट्स रेंट बेसिस पे अलॉट करके उनसे रेंट कलेक्ट किया जा सकता है, उनको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है। उसी तरीके से कई इलाकों में गरीब गुरबा लोगों के रहने के मसले मसाइल हैं, महंगे किराए हैं, वो किराए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आज के दौर में, तो इनके लिए भी वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं एक सहारा बन सकती है।
जहां कहीं रेसिडेंशियल साइट्स बन सकते हैं वक्फ के, वहां पे ऑन रेंट बेसिस ये गरीब गुरबा को रहने के लिए जगह अलॉट कर सकती है वक्फ बोर्ड। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा वक्फ बोर्ड को। अगर कभी खुदा ना खास्ता, जैसे पिछली बार देखा गया है कई माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप कार्ड दिए गए, ये वक्फ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा लैंड रेंट पे देने से, ये रेवेन्यू से जो है ना स्कॉलरशिप वक्फ बोर्ड कंटिन्यू कर सकती है। और इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज जो है मुस्लिम्स के, इनको एड्रेस किया जा सकता है। ये अगर गवर्नमेंट सीरियस हो, वक्फ बोर्ड सीरियस हो, तो वक्फ अमला का तहफ्फुज भी होगा और जो मकसद से वक्फ की गई है मिल्कियत, वो देने वालों का मकसद भी पूरा होगा। जो मुसलमानों में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, ये इश्यूज एड्रेस किए जा सकते हैं। हमारी ये अपील है स्टेट वक्फ बोर्ड से और मिनिस्टर फॉर वक्फ से कि ये जो लिस्ट आई है दो, इसके ऊपर फिर से एक बार नजर डालें। और जिस तरीके से काम हुआ है, ये एक मानों में जो है अनएक्सेप्टेबल बोलिए या गैर जिम्मेदाराना कहिए या फिर नेपोटिज्म कहिए, आप जिस नजरिए से आप समझना चाह रहे हैं स्टेट वक्फ बोर्ड, उस नजरिए से समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने इलाके के लिए ज्यादा साइट्स के लिए बजट अलॉट करते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप कम साइट्स देते हैं, तो ये जाहिर है बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी बहुत बड़े लेवल पे आप करे हैं। इसको फौरन करेक्ट किया जाए। और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो रिपोर्ट्स हैं, जो पिछले गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को वापस लेने के लिए या वक्फ प्रॉपर्टीज के इश्यूज में जो जो इन्वॉल्व है गबन में, उनके ऊपर जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होके जो रिपोर्ट पर असेंबली में टेबल हुई है, आज तक वो रिपोर्ट पे एक्शन शुरू नहीं किया गया है। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट खुद को सेक्युलर बताती आई है, तो फिर ये रिपोर्ट रोकने का मकसद क्या है? इसके पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ेगा।